यहाँ पे आपको सिस्टम दिया गया है साइन स्क्वायर वाई कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू पाई, और आपको क्या करना है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फैक्ट नंबर वन, ये जो होगा एक फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, एक सिस्टम है, ठीक है, इसे फंक्शन नहीं कह सकते हो। क्यों? वर्टिकल लाइन टेस्ट करके हम देख सकते हैं कि ये दो वैल्यू दे सकता है। दूसरी बात, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आप एक्स और वाई अलग अलग नहीं कर सकते हो, मतलब वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। खैर, इन सारी इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है आगे जो हम लोग प्रोसेस करेंगे या डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आपको ये चीजें पता हो या ना पता हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब एलएचएस एंड आरएचएस, कोई भी स्टेप आप जंप नहीं करेंगे, हर स्टेप लिखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा हर्डल आ रहा है आपको किसी पर्टिकुलर स्टेप के लिए। खैर, यहां पर डिफ्रेंशिएशन अलग अलग कर दोगे आप, मतलब एलजेब्रा लगा दोगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया आपका कॉस ऑफ एक्स वाई, और पाई तो आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, इंप्लाई लगा देते हैं क्योंकि नई स्टेप हमारी है ना, हर नए स्टेप के लिए इंप्लाई लगाते हैं हम लोग, ठीक। खैर, देन आपका क्या हो जाएगा, ये चीज आपका वाई का फंक्शन है, और जो यहां ऑपरेटर लगा हुआ है, ये ऑपरेटर लगा हुआ है डी बाई डी एक्स, इसका मतलब ये एक्स वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन ये एक्स का फंक्शन है नहीं, फिर क्या किया जाए, ठीक है, डी बाई डी एक्स हम निकाल नहीं सकते हैं, यहां पे हम डी बाई डी वाई निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाई का फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी वाई, तो ये एडजस्टमेंट करेगा, आया कहां से, यहां से हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया एक तरह से, है ना, डी बाई डी वाई, अब साइन स्क्वायर वाई। अच्छा, साइन स्क्वायर वाई को आप, ठीक है, इस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या कहते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अच्छा यहां पे क्या होगा, यहां भी कॉस जो है एक्स का फंक्शन नहीं है, एक्स इंटू वाई का फंक्शन है, ठीक है, तो यहां आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा, मतलब कॉस पहले डिफ्रेंशिएट होगा फिर आपका एक्स वाई डिफ्रेंशिएट होगा, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और जो भी साइन के कॉस के अंदर है वो लिख दीजिए, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये इंटू में रहेगा इसके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये की स्टेप है ये लाइन आपके लिए, यहां पे मिस्टेक्स मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो इसको आप संभल के करिएगा। अब देखिए यहां पे अगर कोई भी, यहां पे सोचिए कि अगर कोई भी वैल्यू हम वाई की रखते हैं इस फंक्शन के लिए, तो वाई को कौन ऑपरेट करेगा, साइन, और साइन जब ऑपरेट कर लेगा, जो भी आपकी हाफ आ गई, वन बाई टू आ गई, कुछ भी आ गई, तो ये स्क्वायर फंक्शन उसको ऑपरेट करेगा, और अगर हाफ आई थी तो वन बाई फोर कर देगा, ठीक है, वन बाई थ्री आई थी तो वन बाई नाइन, मतलब ये सीक्वेंस है फंक्शन का, मतलब सबसे आउटर फंक्शन स्क्वायर है, देन साइन है, वो वाई का फंक्शन है, तो इसी सीक्वेंस में ये डिफ्रेंशिएट भी होंगे, इसे क्या कहते हैं हम लोग, चेन रूल कहते हैं। तो पहले स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होगा, और स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आ जाएगा आपका, दैट इज एन एक्स एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लिखिंग का जो था क्या था, साइन ऑफ वाई था, ठीक है, और डीवाई, और किसका होगा आपका डिफ्रेंशिएशन, अभी साइन का करना बाकी था, ठीक है, अभी हमने स्क्वायर का किया है डिफ्रेंशिएशन, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ वाई, तो ये फाइनल डिफ्रेंशिएशन है। अच्छा, यहां पे 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है, और किसी भी की पावर 1 तो हम लिखते नहीं है, तो ये आपका 2 साइन वाई इंटू क्या हो गया, कॉस वाई हो गया, और ये फॉर्मूला भी है, अगले स्टेप में हम लोग लिख लेंगे। खैर, डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स वाई, और यहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्यों, क्योंकि x और y देर आर टू फंक्शंस, और दोनों फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट हो जाएगा,
दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए यहां पे ये चीज क्या हो गई, दैट कुड बी रिटेन एज ए, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन टू वाई या साइन टू थीटा और डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई एक्स वाई टाइम्स क्या है आपका एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस आपका वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स आपका वन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब या तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर जो आए डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करें, इन सारी स्टेप्स को हम एक ही बार में कर सकते हैं कोफिशियंट कलेक्ट करके। ठीक है, तो ये आदत डालिए, क्विक होता है आपका कैलकुलेशन और मिस्टेक के चांसेस आपके क्या होते हैं डिक्रीज कर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स से कोफिशियंट कलेक्ट कर ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, एक यहां से डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है जिसका कोफिशियंट क्या है आपका साइन टू वाई है, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स यहां से आएगा और यहां से देखिए कोफिशियंट क्या बनेगा, एक्स तो अंदर है लेकिन माइनस साइन वाई एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल जो बनने वाला है माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, ये कोफिशियंट बनेगा। ठीक है, अब एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स से कोफिशियंट हमने कलेक्ट कर लिए, अब क्या हुआ आपका और एक्स्ट्रा टर्म क्या बचा, माइनस इंटू प्लस माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, दोनों मल्टीप्लाई हुआ होगा ये इक्वल टू जीरो। ठीक, अब क्या करेंगे, ये माइनस का है तो इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो हम यहां खिसका देते हैं इसको, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स बिकम वाई ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई ओवर साइन टू वाई माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।